तो संसत्तिनल्लि भाषण माड्ता राहुल गांधी प्रधानि मोदियवरन्न हंतक्के इक्कट्टिगे सिक्काक्सिद्दारे साकष्टु उदाहरणगळन्नु कोट्टिद्दारे इवत्तु भारत देशद स्थिति हेगिदे अंत हेळिद्रे चक्रव्यूहद ओळगडे सिक्काकोंडंत अभिमन्युविन पाडागिदे भारतद्दु ಒಂದು ಆರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡಿ ಭಾರತವನ್ನ ನಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಈ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ರಚನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಿತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ आ रीति वो चक्र व्यूहद भारत सिखाकारे अंत सन्निवेश भारत इवते सिलुकी नलुगी कड़े वद्दाड़ता है कूड़ा राहुल गांधी मतडा कुरुक्षेत्र में एक युवा को अभिमन्यु को छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर छह लोगों ने मारा मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह मतलब लोटस फॉर्मेशन तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर वो लोटस के शेप में होता है कमल के फूल के शेप में होता है 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है सर वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ हिंदुस्तान के किसानों के साथ हमारी माताओं बहनों के साथ स्मॉल बिजनेसेस के साथ मीडियम साइज बिजनेस के साथ सर अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था उनके नाम द्रोणाचार्य कर्ण कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा और शकुनी सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी मोहन भगवत जी अजीत डोभाल जी अंबानी और अदानी जी प्लीज मारे सर प्लीज एक मिनट प्लीज नहीं सब बोलने दीजिए हाँ आप बैठिए माननीय सदस्य आप संवैधानिक पद पर हैं आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें आपने लिख के दिया कितने आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो सर गलत मैं माननीय सर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम प्रयादा और मर्यादा को बने ये अपेक्षा करता हूँ आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ नहीं सर मैं अगर आप चाहते हैं सर मैं एनएसए का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ फिर माननीय सदस्य अगर आप चाहते हैं प्लीज मैं नहीं चाहता सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ नो नो मैं तीन ही नाम यूज करूं नहीं माननीय सदस्य नहीं नहीं स्पीकर सर द चक्रव्यूह दैट हैज कैप्चर्ड इंडिया
has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, main budget ko explain kar raha hu, sir. Main aa raha hu, wahi aa raha hu, sir. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker, sir, these three together are at the heart of the Chakravyuh. And they have devastated this country. Speaker, sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country